लोकसभा चुनाव संपन्न होते हैं, परिणाम सामने है और लोकसभा चुनाव के बाद जो है विधानसभा चुनाव का दौर भी शुरू हो जाता है। यानी कि कहीं से भी नेता रेस्ट मोड में नजर नहीं आ रहे हैं, एक्टिव मोड में है, बैठकों का दौर शुरू है और बीजेपी ने आगामी 4 विधानसभा चुनाव के लिए तो चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की भी नियुक्ति कर दी है। सभी बड़े नाम, सब तमाम बड़े केंद्रीय मंत्रियों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, चाहे हम बात कर ले महाराष्ट्र की, हरियाणा की, झारखंड की या जम्मू कश्मीर की। तो इस तमाम मुद्दे पर बातचीत के लिए, चर्चा के लिए आज जो हमारे साथ प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ आनंद मोहन जी है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और वर्तमान में जो स्थिति है 4 राज्यों के लिए जो विधानसभा चुनाव होने हैं, बीजेपी एक्टिव मोड में आ चुकी है, लोकसभा चुनाव के बाद थोड़ा भी रेस्ट नहीं, एक तो कल की बैठक और फिर जो है इससे पहले जो है वो चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति हो चुकी है, किस तरह से देखते हैं आगामी विधानसभा चुनाव कैसा होने वाला है और बीजेपी से कितना टफ फाइट मानकर चल रही है चारों ही राज्यों में लोकसभा चुनाव के नतीजों के हिसाब से? देखिए, एक तो इस साल के अंत में 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू। और जब हम पिछले लोकसभा के चुनाव की बात करें, उसके परिणाम की बात करें, तो इंडिया गठबंधन हो या NDA हो, एक मैंडेट ऐसा था जिसमें ना आप हंस सकते हैं ना मुंह फुला सकते हैं, मतलब जिसको कहा जाए कि एकदम संतुलित और जिसमें हर दलों के सामने एक चुनौती भी है और कहने के लिए भी खराब नहीं है कि हमको मैंडेट नहीं मिला या हम नहीं, जैसे कांग्रेस ने लगभग 100 का आंकड़ा पार किया। इंडिया गठबंधन भी खुश है, 240 के करीब उनको सीटें आई, NDA की सरकार बन गई, बहुमत मिल गई, NDA को एकजुट बहुमत पूरी तरह से मिल गई। लेकिन जो अब इन 4 राज्यों में जहाँ चुनाव होने हैं, वो वाकई में बहुत ही लोकसभा के पृष्ठभूमि से देखें तो बड़ा ही टफ स्टेट है बीजेपी के लिए भी और इंडिया गठबंधन के लिए, नेक टू नेक है। यहाँ पर आप जैसे देख लीजिए झारखंड में बीजेपी का ग्राफ गिरा, 8 सीट पर बीजेपी आ गई, 5 सीटों पर, मतलब जिसको कहें कि जो पूरी रिजर्व सीट थी उस पर इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन गैर जो आरक्षित सीटें उस पर परफॉर्म नहीं कर पाती है, उनके लिए चुनौती है। लेकिन खुश होने वाली बात यह है कि ST सीटों पर बीजेपी को आगे बढ़ने और एक दिया। और एक नैरेटिव विधानसभा में लेकर के जाएंगे। अब इसके उलट आप अगर NDA को देखें तो NDA जो पूरी की तरह से कहें कि झारखंड में ज्यादा स्टेक लेने वाली भी रही, लेकिन ST सीट हार जाती है तो उनके लिए एक चुनौती है। तो इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि मैंडेट से आप ना हंस सकते हैं ना गाल फुला सकते हैं, सबको बराबर बराबर दिया, थोड़ा थोड़ा सबको दिया, जिसकी जहां चली सबके खाते में थोड़ी थोड़ी सी आई चीज़ें वो आई है। अब विधानसभा की बात हो रही है, तो विधानसभा में भाजपा पूरे आक्रामक तौर पर लग गई है, जिसको कहें बहुत एग्रेसिव मोड पर है बीजेपी की तैयारी बहुत शुरू हो गई है। बीजेपी में अभी जब से अमित शाह मोदी जी का ये एक्टिव मोड में चलती है बीजेपी चुनाव को लेकर, मतलब उसको टारगेट ओरिएंटेड पार्टी हो है और ये टारगेट खत्म हुआ तो दूसरा टारगेट ले लेना। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो चारों विधानसभा आप देखेंगे तो उसमें केंद्रीय मंत्रियों को लगाया गया है, तो केंद्रीय मंत्रियों को स्टॉलवर्ट केंद्रीय मंत्रियों को, जिनकी साख है बीजेपी के अंदर, जिनकी कद काठी बड़ी है बीजेपी, मजबूत है, उनको लगाया गया है। जैसे झारखंड में शिवराज सिंह चौहान जी हैं और फिर इधर से असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा है। उसके बाद आ जाइए भूपेंद्र यादव को लगाया गया है, धर्मेंद्र भूपेंद्र यादव को महाराष्ट्र में और फिर उनके साथ अश्विनी वैष्णव को लगाया गया है। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान है और फिर विप्लव देव है मुख्यमंत्री, जम्मू कश्मीर रेड्डी साहब को लगाया गया है। तो कुल मिलाकर के भाजपा ने अपनी गोटियां चल दी है और बहुत ही जिसको कहें कि एक संगठनकर्ताओं को जिनके पास पूरा अनुभव है चुनाव का, जिनके पास कार्यकर्ताओं के को गोलबंद करने की क्षमता है, जिनके पास एक नैरेटिव सेट करने की क्षमता है और जो बहुत मतलब चुनाव का जिनके पास एक अनुभव ऐसे लोगों को दिया है। क्योंकि जैसे आप झारखंड का तो मैंने बता दिया कि जो लोकसभा का मैंडेट था, अब जैसे आप हरियाणा आ जाइए, एकदम टाई पर है, 5 सीट कांग्रेस को, 5 सीट बीजेपी को, टफ फाइट चल रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी पूरी तरह से पस्त है, 9 सीट बीजेपी को है, संभवतः 13 सीट कांग्रेस को है, जो ठाकरे वाले शिवसेना है उसको 9 सीट है, शिंदे वाले शिवसेना को 7 सीटें हैं, एक निर्दलीय जीते हैं। तो ये कुल मिलाकर के महाराष्ट्र भी एक क्लियर मैंडेट की ओर नहीं है। तो अब इन जो चारों राज्य हैं, इसमें बीजेपी को भी और इंडिया गठबंधन को भी बहुत दम से लगना पड़ेगा और उसी दम की तैयारी आपको जो दिख रही है बीजेपी ने शुरू कर दी है।
चलिए, तो बीजेपी ने जो है वो तैयारी शुरू कर दी। झारखंड की बात करें तो चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को जो है वो चुनाव सह प्रभारी बनाया गया है। मेरा सवाल रहेगा कि शिवराज सिंह चौहान झारखंड के लिए? बेहतर सवाल है आपका। देखिए, एक आप समझिए कि मगर अगर बीजेपी के अंदर मैं देखता हूँ अलग अलग मुख्यमंत्रियों को पहले के मतलब, तो मुझे लगता है शिवराज सिंह चौहान एक मैजिक मैन है चुनाव जीतने के। उन्होंने 2008 का चुनाव, 2013 का चुनाव, 2023 का चुनाव, इस तरह की चीज़ों को उन्होंने वहाँ से निकाला है। 2008, 2013, 2023 के जो चुनाव थे उसको बोला जाता है कि वो अपने दम पर, अपनी योजनाओं के दम पर एमपी के अंदर और आधी आबादी का पूरा विश्वास जीतकर वो एमपी में चुनाव, मामा भी कहा जाता है, अब झारखंड आए हैं चुनावी मंत्र लेकर के देंगे। तो और लगातार लोकसभा के अंदर भी इस बार MP, तो शानदार प्रदर्शन, 29 का 29, पिछले बार से एक सीट फिर बढ़ा लिया, पिछले बार 28 सीटें थी 2019 में, इस बार 29 के 29 मामा के पास आए। और उसके बाद फिर उनको रिलीज किया गया एमपी के मुख्यमंत्री से हटा करके भाजपा ले आते हैं। तो अब भाजपा उनके उन मतलब मध्य प्रदेश का जो उनका चुनावी मैकेनिज्म है, जो उनका चुनावी स्टाइल रहा है, उसको वो ऐसे टफ स्टेट में उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं जो झारखंड में। झारखंड में हुआ क्या है, पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर इंडिया गठबंधन संविधान बदलो के नाम पर और जो एक नेटिव 400 पार वाला जो बीजेपी ने सेट किया उसको इंडिया गठबंधन ने एक उल्टे ढंग से और उस 400 पार का एक अपना नेटिव सेट कर दिया इंडिया गठबंधन ने। ये इसलिए चाहते हैं क्योंकि संविधान बदलना, और वो ग्रास रूट तक गया सेकेंड फेज के चुनाव के बाद लोकसभा के, ये ग्रास रूट तक ये बातें जाने लगी उस तबके के, उस वर्ग के बीच में कि सारा माजरा संविधान बदलने का। तो इसलिए शिफ्ट कर पूरे के पूरे तरह से आदिवासियों का वोट जो है सो झारखंड में भी देखेंगे, और शेड्यूल कास्ट का भी वोट, जो दलित वर्ग का वोट है, वो सारी चीज़ें भाजपा के हाथ से निकलती। तो एक बड़ी चुनौती, और उस चुनौती में, उस चुनौती के बीच में ये शिवराज सिंह चौहान को लाना, उनके पास, शिवराज सिंह चौहान के बारे में लोग कहा जाता है कि वो कार्यकर्ताओं के को मतलब मोह लेने वाले नेताओं में से हैं। मुझे याद है कि इस बार जब वो रांची आए, कई उनकी सभाएं हुई, कार्यकर्ताओं से मिले भी, वो मुरादाबादी मैदान लेकर के चले गए, रांची का एक मशहूर मैदान है, वहाँ चाय वाले के पास 10-20 कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके वहीं पर टेबल पर कार्यकर्ताओं के साथ चाय पी। तो वो कार्यकर्ताओं के बीच में रहने वाले नेता हैं और उनको पता है कि हम संगठन को कैसे खड़ा कर सकते हैं, और ग्रास रूट पर जो जो बीजेपी मात खाई है यहाँ पर, जो ट्रैवल सीटों पर, उसका उसका ऐसा नहीं था कि उसका उन चीजें, वो चीजें भाजपा को नहीं पता थी, भाजपा को भी पता थी कि हम उन जगहों पर कमजोर हैं। भाजपा के लिए सबसे साख वाली सीट थी दुमका सीट, जो वो हार गई, गीता कोड़ा को लेकर कहे थे, चाहे सिमू में वो सीट हार गए, चाल थी भाजपा की सब जो है वो निकल गए। अब उससे आप देखिए कि 28 सीटें हैं ट्रैवल की, ST सीटें हैं, और उस 28 सीटों में बिना बेटर परफॉर्मेंस किए हुए, उन 28 सीटों में जब तक आप एक कारगर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उन सीटों में 28 सीटों में आपके पॉकेट में सीटें नहीं आएंगी, तब तक झारखंड में चुनाव जीतने का, विधानसभा में और सरकार बनाने का रास्ता नहीं निकलता। जो चिंता कल आप देखे होंगे कि बैठक में भी अमित शाह ने कहा कि वो जो नैरेटिव सेट हुआ है हम लोगों के खिलाफ, उसने जो इंडिया गठबंधन ने किया, उसको हमें तोड़ना है, उस भ्रम को तोड़ना है, हमें उन आदिवासी पॉकेट्स में जाकर के उनका विश्वास जीतना, और हम जो काम कर रहे हैं उसको, इसलिए उन्होंने 5 महीने का ब्लूप्रिंट बना करके कहा है नेताओं को कि लेकर के आइए कि आप कैसे चुनाव लड़ेंगे वहां पर। तो उसमें प्रभारी भी थे बैठक में, हेमंत बिस्व शर्मा भी थे बैठक में। अब आप एक चीज समझ लीजिए कि दो किस्म के नेता हैं अभी झारखंड में जो प्रभारी बनाए गए हैं, एक माइल्ड है, कार्यकर्ताओं के बीच रहने वाले हैं, और एक नेता है हेमंत बिस्व सर, फायर ब्रांड नेता है, वो पूरे हार्डलाइनर हैं। हाँ, उत्तर पूर्वी भारत में उन्होंने जिस तरह से कमल खिलाया और वहाँ के पूरे उस क्षेत्र के संयोजक रहे भाजपा के, और उन राज्यों को जिस तरह से उन्होंने साधा है, पूरे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को, वही फॉर्मूला जो है वो, और उनको एक पूरे ट्राइबल क्षेत्र का पूरा अनुभव है, तो उनको ला करके चीजों को बहुत एग्रेसिवली और काउंटर अटैक मतलब कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर हो, एक ऐसा शख्स लाए जो माइल्ड नहीं है, जो बहुत
तीखा बोलता हो, जो तीखा हमला करता हो, वैसे नेता हेमंत बिस्व सोमन को लाया गया है। तो दो तरह के, मतलब एक कहें कि आप एक आग और पानी, हाँ, दोनों साथ में लेकर चल रहे हैं, लेकर चल रहे हैं। तो ये अच्छा, झारखंड मतलब जो लिस्ट देखी, केंद्रीय मंत्री है, चारों ही राज्यों में लगाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर हेमंत बिस्व सोमन की बात कर ली, जैसे आपने बताया कि फायर ब्रांड नेता जो है वो तीखा हमला बोलने वाले, उनकी अलग पर्सनैलिटी है। शिवराज सिंह चौहान, उनकी अलग पर्सनैलिटी है, ग्रास रूट से जुड़े रहते हैं, नेताओं के बीच में रहते हैं, जनता से सीधा मुखातिब होते हैं, तो दोनों ही अलग पर्सनैलिटी, लेकिन जो है वो देश के लिए सबसे बड़े पर्सनैलिटी के तौर पर है। तो झारखंड को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है इस विधानसभा चुनाव में? लिस्ट देख ले तो सबसे दो बड़े चेहरे जो है वो झारखंड के ही कोटे में गए हैं, तो झारखंड इतना अहम क्यों होने वाला है इस विधानसभा चुनाव में? 2019 में बीजेपी यहाँ जो पिछला विधानसभा था वो लूज कर गई पूरी तरह से, हेमंत सरकार में आ गया कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ आए। जब वो सरकार बना रहे थे तो 51+ उनके पास आंकड़े थे बहुमत के। कांग्रेस ने 18 सीटों का बेजोड़ प्रदर्शन किया, कांग्रेस का सर्वाधिक सीट था पूरे अभी तक जब से झारखंड बना तब से। जेएमएम का अपने इतिहास में पिछला 2019 का जो चुनाव था वो 30 सीटों के साथ जब जेएमएम आता है यहाँ पर सत्ता में, तो वो जेएमएम में शिबू सोरेन के दौर में भी ये 30 सीटें विधानसभा में नहीं मिली थी। वो हेमंत का एक कार्यकाल था जो वो 30 सीटें आ गई, वो चीज़ें अचानक से नहीं बदली। 2014 से 2019 तक वह 10 जो सरकार चली, काम बहुत हुए, विकास के काम बहुत दिख रहे थे, सरकार बहुत एक्टिव मोड पर थी, लेकिन कुछ कुछ गलतियां विकास के मुद्दों पर लेकिन कुछ कुछ गलतियां ऐसी हुई या चीजों को भाजपा भाप नहीं पाई कि अंडर करेंट क्या चल रहा है। उस समय पत्थलगड़ी से लेकर के और मूवमेंट्स सारे थे जो एक ट्राइबल लोकलिटी में पूरी गोलबंदी हो रही थी, उन सारी चीज़ों को भाजपा ने, और कासू से भी अलायंस नहीं हुआ था, उसका भी एक अपना वजह रही होगी लूज करने की। अब जो बीजेपी है, अब उसके लिए जैसा आपने कहा कि महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है, महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि देखिए एक भाजपा को की जो अपनी रणनीति है पूरे देश भर के अंदर, वो एक बड़ा जो तबका है ट्राइबल का, जो बड़ा तबका है नीचे जो ग्रास रूट के लोगों का, उसके अंदर एक मैसेज देना है। और झारखंड एक ऐसा स्टेट है जिसका जिसका कहें कि एक मर्म और जिसका एक चेहरा पूरे स्टेट का एक ट्राइबल स्टेट के रूप में है, वो जाना जाता है इस पर। तो ये स्टेट भाजपा के लोग दिशा में महत्वपूर्ण हो जाती है कि आप यहाँ से एक, जब आप इसको जीतते हो तो एक नैरेटिव लेकर के आप जाते हो देश भर के अंदर कि हमारे पास जैसे छत्तीसगढ़ आप जीते हो, तो उस तरह की चीज़ें, तो वो नैरेटिव सेट करना चाहती है। मतलब झारखंड महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर काम करना भी और जीतना भी भाजपा का ये लक्ष्य है, और ये सीधे तौर पर जो कल की बैठक है उसमें देखने को मिला। अमित शाह ने सभी के साथ बैठक की, चुनाव प्रभारी सब प्रभारी मौजूद रहे झारखंड के, और दो बड़े चेहरे जो इस बार झारखंड में बीजेपी की तरफ से विधानसभा चुनाव की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। ऐसे में ये तो तय है कि चुनावी मोड में जो है वो झारखंड आ चुका है। विधानसभा चुनाव नवंबर और दिसंबर में होने हैं, देखने वाली बात रहेगी कि भाजपा की तैयारी जो इतनी मेहनत वाली चल रही है, इतनी सख्त चल रही है, वो आगे चुनाव परिणाम में बदल पाती है, या फिर जो 2019 में परिणाम रहे उसे एक बार फिर से जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन जो है वो दोहराती है। फिलहाल इसके साथ प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी, मुझे दीजिए इजाजत। प्रभात खबर .com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।